नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनवाल एजुटेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भरतपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 के यूजी पीजी फाइनल की एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाली है, टाइम टेबल कब जारी होगा, एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार रहेगा, एग्जाम सिलेबस कितना आने वाला है और एडमिट कार्ड आपके कब जारी होंगी। तो ये देखते हैं जो न्यूज़पेपर में खबर आई है उसके बारे में। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रज विश्वविद्यालय पूरक परीक्षा के परिणाम जारी हो चुके हैं, कल तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। परीक्षा फॉर्म भी कल तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। और महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जो बीकॉम बीएससी बीएस बीसीए की पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। बीए का परिणाम सुबह तक जारी होने की संभावना है। स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी पूरक की परीक्षाओं के परिणाम 1 या 2 दिन में जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही जो पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिए नया सत्र 2021 की जो परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। विद्यार्थी 6 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर फरवत सिंह ने बताया कि पूरक परीक्षा शामिल नहीं हुई तथा किन्हीं कारणों से परीक्षा से फॉर्म भरने से वंचित स्टूडेंटों को भी मौका दिया गया। ऐसे स्टूडेंट 1,000 रुपये जुर्माना राशि के साथ फॉर्म भरे सकेंगे। वहीं पूरक परीक्षा की शामिल हुए छात्रों से सामान्य फीस ली ही ली जाएगी और उन्होंने दावा किया कि मुख्य परीक्षा की तैयारी भी जारी है। अगस्त के दूसरे सप्ताह के बाद मुख्य परीक्षा प्रारंभ हो जाएंगी। तो बड़ी अपडेट यह है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह के बाद यानी कि 15 तारीख के बाद में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। 15 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। 10 अगस्त के आसपास आपके एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। 10 या 11 तारीख तक एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। 15 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। इस बार 73 केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा के 73 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के लिए, तो काफ़ी समस्या ना हो छात्रों को, इसलिए परीक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं। और इसका एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार रहेगा, इनके 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। यदि आपके सब्जेक्ट में 2 पेपर एक दिन में, तो 2 पेपर 1.5 घंटे होंगे। तीसरा पेपर है आपके पास एक सब्जेक्ट में, तो तीसरा पेपर नेक्स्ट डे में होने वाला है। और 50% आपका सिलेबस होगा। यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। आधे क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, जैसे आपके 10 क्वेश्चन आए तो 5 और 5 यानी कि 8 क्वेश्चन आए तो आपको 4 क्वेश्चन हल करने होंगे। ये है एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस। तो जिन्होंने टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन करें, और साथ साथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी खबर आपको मिलती रहेंगी लगातार। धन्यवाद।